तो गाइज़ यहाँ पे हमने कुछ अरेंजमेंट बनाए हैं किस तरह से हमारी गोकट बनने वाली है। तो ये है हमारा अरेंजमेंट और इसी तरह से हमारी गोकट बनने वाली है। तो गाइज़ स्टार्ट करते हैं। और गाइज़ इसका अगर आपको अपर फ्रेम का वीडियो अगर आपको देखना है तो मैंने मेरे गोकट पार्ट वन डिज़ाइन वन जो है उसमें दिखाया है पूरा फ्रेम का जो डिज़ाइन है वहाँ पे मैंने सब कुछ दिखाया है। तो वहाँ पे जाके आप लोग पूरा डिज़ाइन जो है देख सकते हैं। जो अपर फ्रेम का है जो स्टीयरिंग वगैरह है वो डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेसी कट कर रहे हैं। जो एक्टिवा का चेसी हमने लगाया है वो हम लोग कट कर रहे हैं। तो ये हम लोग कट करके हम लोग पीछे से इसको वेल्ड करेंगे। और अभी टाइम आया है इसे हम लोग जो हमारी अपर फ्रेम है उसे हम लोग वेल्ड करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ठीक से वेल्ड करना है गाइज़। पूरा ऑल फोर साइड्स हमको वेल्ड करना है ट्यूब्स के ऑल फोर साइड्स। तो यहाँ पे दो साइड्स रहेंगे और उसके साइड में जो फ्रेम है वहाँ पे भी हम लोग वेल्ड करेंगे। तो गाइज़ एक बार वेल्ड करने से पहले आपको सब जगह चेक करना है। आपको फ्यूल टैंक वगैरह सब कुछ निकालना है इंक्लूडिंग बैटरी भी आपको निकालना है गाइज। तो अगर आपका फ्यूल टैंक वगैरह बोल्टेड है तो वो आप लोग अनबोल्ट करें और निकाल दें उसको। और बैटरी वगैरह भी सब निकाल दें क्योंकि बैटरी ड्रेन हो सकती है और शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। तो गाइज़ एक बार वेल्डिंग होने के बाद आप लोग फ्रेम आगे पीछे मूव करके देखना है गाइज़ फ्रीली मूव हो रहा है कि नहीं। तो उसके बाद आप लोग फुल वेल्डिंग कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग को एंगल को कट करके लेना है स्मॉल पीसीस में। उसके आप लोग को चार पीसीस बनाना है। और ये हम लोग काट रहे हैं वेल्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आगे आपको वीडियो में पता लग जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो एंगल हमने लगाया है उसके इनर साइड आपको पहले वेल्ड करना है। और वो एंगल लगाने के बाद भी हमको एंगल के ऊपर भी वेल्ड करना है। ये हमारे वेल्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा और ये आसानी से टूटेगा भी नहीं। तो इसीलिए हम लोग का एंगल लगा के वेल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले हम लोग इनर साइड से वेल्ड कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे जो है हमने एंगल के ऊपर वेल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम लोग वेल्ड कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। और अभी राइट हैंड साइड का भी वेल्ड करना बाकी है। अभी लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग वेल्ड कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड का आप लोग को मोर क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखो गाइस राइट हैंड साइड का हम लोग वेल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्क्वायर ट्यूब प्लेस किया है जहाँ से हमने एक्टिवा की चेसी काटी थी। और चेसी का जो एंड है वहाँ पे हमने वेल्ड किया है आप लोग को दिख रहा होगा वीडियो में। तो उसके बाद हमने जो साइड्स है उसको वेल्ड किए हैं स्क्वायर ट्यूब के साइड्स को। एक बार आपको जो चेसी का एंड है वहाँ पे आप लोग को वेल्ड करना है उसके बाद हम लोग साइड से वेल्ड कर सकते हैं क्योंकि आपको जजमेंट मिलेगा कहाँ पे कैसे हम लोग को प्लेस करना है इंजन को। तो आप लोग फर्स्ट जो चेसी का एंड है वहाँ पे वेल्ड कीजिए। उसके बाद हम आप लोग स्क्वायर ट्यूब्स के जो एंड है वहाँ पे आप लोग वेल्ड कर सकते हैं। ये वाला स्क्वायर ट्यूब हमने हमारा वेट हैंडल करने के लिए प्लेस किया है। अगर हमारे फ्रेम पे ज़्यादा वेट हो तो वो बीच से ना टूटे इसलिए हमने वो वाला स्क्वायर ट्यूब प्लेस किया है। तो यहाँ पे हम लोग स्टीयरिंग के जॉइंट्स वेल्ड कर रहे हैं। और गाइज़ अगर आपको पूरा जो स्टीयरिंग का सिस्टम अगर आपको समझना है तो मेरे डिज़ाइन वन जो है मैंने पहले बार भी गोखट बनाया था तो वहाँ पे जाके आप लोग सब कुछ देख सकते हैं मैंने कैसे कुछ वेल्ड वगैरह किया था। और सस्पेंशन शॉक्स वगैरह सब मैंने उस वीडियो में दिखाया है। डिज़ाइन वन गोकार्ट पार्ट वन करके होगा वहाँ पे जाके आप लोग सब कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग बोर्ड लगा रहे हैं और सारा कुछ सेट कर रहे हैं। अभी हम लोग स्टीयरिंग का जो व्हील है उसे प्लेस करेंगे। और ये आपको सब लगाना है पहले बोल्ट वगैरह और उसके बाद आपको स्टीयरिंग प्लेस करके देखना है आपको कैसे कुछ स्टीयरिंग होल्ड करने के लिए चाहिए होगा।
तो यहाँ पे हम लोग स्टीयरिंग वेल्ड कर रहे हैं, तो उससे पहले गाइज आपको सब कुछ देखना होगा, आपका कंफर्ट आपको देखना होगा, आप लोग कैसे कुछ स्टीयरिंग को होल्ड कर सकते हैं वो आपको सब कुछ देख कर ही वेल्ड करना है। तो आप लोग एक बार गो कार्ट पे बैठें और उसके बाद आप लोग स्टीयरिंग को वेल्ड करें, आपका कंफर्टेबल पोजीशन चूज़ करें और उसके बाद ही आप लोग वेल्ड करें। अभी जो है हम लोग दो स्क्वायर ट्यूब्स काटेंगे और एक जो है हमारा ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे ऊपर की तरफ और उसको वेल्ड कर देंगे, और एक स्क्वायर ट्यूब जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको भी हम लोग वेल्ड कर देंगे। और इसके ऊपर जो है हम लोग का सीट प्लेस करके देखेंगे, इससे पहले आपको दोनों ट्यूब अच्छी तरह से वेल्ड करना है और उसके बाद इसके ऊपर हम लोग सीट प्लेस करेंगे। इसका जो हमारा जो कंफर्टेबल पोजीशन है वो देखकर ही हम लोग सीट प्लेस कर देंगे। तो गाइज़ ये सीट हमने जो स्क्वायर ट्यूब्स वेल्ड किए थे उसके ऊपर ही हमने ये प्लेस किया है, और गाइज़ ये जो सीट है वो स्क्वायर ट्यूब्स के ऊपर ही वेल्ड हो जाएगा, नट बोल्ट सिस्टम हमने नहीं बनाया है, डायरेक्टली वेल्ड किया है। और यहाँ पे गाइज़ हमने हमारे दोस्त को बिठाया था करेक्ट पोजिशन देखने के लिए स्टेयरिंग और सीट का, सो ये आपको सब देखना है फुल वेल्डिंग करने के पहले, और उसके बाद आपको सीट वगैरह सब वेल्ड करने हैं। सो गाइज हमने सीट को वेल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है, ये टू प्लेसेस हम लोग वेल्ड कर देंगे और पीछे भी दो जगह हैं जहाँ पे हम लोग को वेल्ड करना है, वहाँ पे भी हम लोग वेल्ड कर देंगे, आगे आपको वीडियो में पता लग जाएगा। तो गाइज़ हमने जो चेसी काटा था उसके ऊपर ये बैटरी होल्डर था, ये बैटरी होल्डर को हम एज इट इज़ हमारी फ्रेम पर वेल्ड कर देंगे। सो गाइज़ बैटरी के क्लैंप को हमने सीट के पीछे प्लेस करने का सोचा है, तो हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे और इसको डायरेक्टली हम लोग वेल्ड कर देंगे, नट बोल्ट सिस्टम नहीं, फुल वेल्ड कर देंगे। और की का जो स्लॉट है वो भी हम लोग वहाँ पे ही वेल्ड कर देंगे, आगे आपको वीडियो में पता लग जाएगा। तो गाइज एंगल काट के और स्क्वायर ट्यूब को काट के आपको उसके अंदर होल बनाना है और इस तरह से आपको उसके अंदर बोल्ट फिट करना है। सो ऐसे सेम आपको दो पीसीस करके लेना है, आगे आपको पता लग जाएगा हम लोग कहाँ पे ये यूज़ करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी, हमारा जो फर्स्ट आर्म था वो ट्विस्ट कर रहा था आगे बढ़ने के वक्त, सो यहाँ पे हमने और एक आर्म फिट किया है जो फर्स्ट आर्म था उसको सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ पे देखो हमने छोटा सा स्क्वायर ट्यूब प्लेस किया है और उसे हम लोग इसी तरह से वेल्ड करेंगे, वीडियो में दिखाया है इसी तरह से हम लोग वेल्ड करेंगे। और ये जो है हमारा फर्स्ट आर्म जो है उसको ट्विस्टिंग होने से प्रिवेंट कर देगा। तो गाइज सेम चीज़ आपको अदर साइड भी करना है और उसके बाद आपको दोनों व्हील्स जो है आपको अलाइन करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हम लोग वेल्ड कर रहे हैं, जो पहले का जो आर्म था और न्यू आर्म जो हमने फिट किया है दोनों को हम लोग वेल्ड कर रहे हैं। सो यहाँ पे गाइज हमारी गोकार्ट रेडी हो गई है एंड वी आर गुड टू गो गाइज।
सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग दो तीन बार टेस्टिंग करेंगे, चला के हम लोग देखेंगे ऊपर नीचे। पता नहीं आप